दर्शक नमस्कार, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपका होस्ट संजय मिरे। और दर्शकों, आज मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम में आज हिस्सा लेने के लिए आज भारतवर्ष से दो ऐसे मेहमान को आज हमने इनवाइट किया है जो हरियाणा से है, नवनीत टिवटिया साहब, और हमारे दूसरे मेहमान है टोने जग्गी साहब। मैं दोनों मेरे मेहमानों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ और प्रोग्राम की शुरुआत करने जाता हूं। दर्शकों, हमारे कार्यक्रम की जो परंपरा है कि हम हमारे मेहमानों का इंट्रोडक्शन सबसे पहले आपको करवाते रहते हैं, तो मैं नवनीत टिवटिया साहब, जो कि हरियाणा से हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं इनके बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि नवनीत साहब, आप ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस न्यू लाइफ टाइम दिल्ली के मेंबर हो, साथ ही साथ हरियाणा स्थित पालवाल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आप अध्यक्ष हो। इतने नहीं तो नवनीत साहब, आप ऑल हरियाणा ट्रांसपोर्ट्स फेडरेशन के मेंबर भी हो। तो दर्शकों, हमारे जो दूसरे मेहमान जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, टोने जग्गी साहब। मैं टोने जग्गी साहब के बारे में आपको बता दूं कि जग्गी साहब, आप प्रेसिडेंट ऑफ ट्रक मालिक वेलफेयर एसोसिएशन, ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ नागपुर ट्रकर्स यूनिटी, मेंबर्स ऑफ गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब नागपुर से आप काम काज करते रहते हो। मैं मेरे दोनों मेहमानों का स्वागत करता हूं और बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की ओर, जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को आखिर हुआ क्या है कि जिसके चलते ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ये अपने आप में मजबूत नहीं हो रही है। इस विषय को लेकर आज हम हमारे दोनों मेहमानों से बात करेंगे। क्या मेरे दोनों मेहमानों का मैं कार्यक्रम के शुरू में स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, क्या मेरी आवाज मेरे दोनों मेहमानों को आ रही है? जी मेरे पास पहुंच रही है। बिल्कुल जग्गी साहब, आपको आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है मुझे। बिल्कुल, मैं आपको सत श्रीकाल करता हूँ और कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा हूँ। सबसे पहला सवाल जग्गी साहब, मैं आपसे करना चाहूंगा कि लॉकडाउन में ट्रांसपोर्ट का जो नुकसान हुआ है, क्या लगता है आपको, क्या सही मायने में लॉकडाउन में ट्रांसपोर्ट का नुकसान हुआ है या नहीं, क्या कहना चाहोगे? ट्रांसपोर्ट का तो इतना नुकसान हो चुका है कि आने वाले 5 साल तक ये भरपाई नहीं हो सकती। अभी जो गाड़ियां आज तक खड़ी हैं पिछले 4 महीने से, जी ड्राइवर आ नहीं रहे। आज से 10 दिन पहले स्कॉर्पियो देके बंदों को भेजा था बिहार लाने के लिए, 3 ड्राइवर आए हैं, बड़ी मुश्किल से उनके घर में खर्चा पानी दे के लेके आए, उनको बड़ी दिक्कत है। 7 गाड़ियां अभी भी खड़ी है। जी, ये जो मैं पर्सनल अपना व्यू बता रहा हूँ, नागपुर में 3500 ट्रक मालिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी परिस्थिति इस तरीके से हो गई है, ना वो किस्तें भर रहे हैं, ना ट्रांसपोर्ट की कोई भी व्यवसाय चल पा रहा है। 13 रुपए डीजल बढ़ चुका है नागपुर, जी बोलिएगा, वो बोलते रहिएगा। इतनी परेशानी का दौर चल रहा है नागपुर शहर के अंदर। उसके अलावा बरसात आ गई है नागपुर में। दूसरी बात, कारोबार की ये परिस्थिति है, जिस फैक्ट्री में गाड़ी भेजी तो वहां 3 दिन में लोडिंग है, 2 दिन में अनलोडिंग है, लेबर नहीं है। बिल्कुल, ये परिस्थिति एक मेरे साथ नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी ट्रक मोटर मालिक हैं सबके साथ ये परेशानी है। आज बंबई के अंदर बरसात आने पे गाड़ियां 5-5 दिन से वहां खड़ी, ना खाली हो रही ना लोड। इस तरीके की हालत है रायपुर के आगे जो उड़ीसा में इंटर होते हैं, वहां के रोड ही पूरे टूट गए। जी, कलकत्ता से वापसी में 1 रुपए का माल नहीं है। जी, गाड़ियों वालों की बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई है। इंश्योरेंस पूरी लागू है, हमारे को टैक्स लागू है। जिस दिन आरटीओ में कारोबार शुरू हो जाएगा, ऑफिस चालू हो जाएंगे आरटीओ के, वो टैक्स में कोई छूट नहीं है गाड़ी मालों, नेशनल परमिट में कोई छूट नहीं है, फिटनेस की पेनल्टी दी जाएगी। ये सबसे बड़ी, गाड़ी मालकों को ये बात का पता ही नहीं कि फिटनेस जो खत्म हुई थी, अगर वो फिटनेस नहीं कराई उसकी पर डे 100 रुपए पेनल्टी लेने के लिए इनका ऑर्डर आ चुका है। ये कल हमारे नागपुर में 49 में जादव साहब हैं,
उनसे हमारी चर्चा हुई, मतलब सारी गाड़ियां तो हमारी खड़ी हैं ऑलरेडी, चल ही नहीं रही, कहते हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे को ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया सेंट्रल से महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, जब तक ऑर्डर नहीं आएगा तो आपको 100 रुपये पर डे पेनल्टी, अगर 20,000 रुपये से ऊपर अगर बढ़ रहा होगा तो हम 20,000 मिनिमम लेंगे उससे। बिल्कुल नवनीत टेवटिया साहब, जिस प्रकार से टोनी जग्गी साहब ने जो बात कही है उनके बात में कहीं ना कहीं मुझे दर्द दिखाई दिया, आपको क्या लगता है, क्या आपका तजुर्बा रहा है इस विषय को लेकर? क्या आपको लगता है कि सही माने में लॉकडाउन में ट्रांसपोर्ट कारोबारियों का नुकसान हुआ है या नहीं? देखिए जग्गी जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा है जी, हालात बद से बदतर हो गए हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर लॉकडाउन से पहले भी परेशानी का शिकार था, और एक कहावत है एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, लॉकडाउन ने उसको वही हालत को बिल्कुल चरितार्थ कर दिया है। कहीं कोई माल नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, व्यापारी अब व्यापारी की भी मजबूरी समझ लीजिए या हालात का फायदा उठाने की समझ लीजिए। गाड़ी, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, गाड़ी ट्रांसपोर्ट से बुक होकर चलती है, फला जगह मान लीजिए नागपुर से दिल्ली आना है 250 रुपए में, 25 रुपए में आपकी गाड़ी वहां पे पहुंचेगी फैक्ट्री तक, 20-25-30-40 किलोमीटर फैक्ट्री है, वो 25 रुपए का रेट 22-23-21 कर देते हैं, उन्हें पता है। असलियत में ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का फेल होने का हम एक दूसरे पर लांछन लगाते हैं, फलानी संस्था ने सहयोग नहीं किया या बुरे समय में उसने नहीं किया, असलियत में गाड़ी वाले की मजबूरी भी है जी, वो फूट नहीं है वो मजबूरी है, रोजी रोटी के लाले पड़ जाते हैं, इसी चीज का फायदा हर कोई उठाता है, खास तौर पर सरकार, उन्हें पता है कि इसकी रोटी इसी से निकलेगी, जख मर आएगा रोड पे ही आएगा, तो चारों ओर से शोषण और परेशानी, टैक्स टेरर, तो खैर अगर आप एक पेपर भी दिलवा देंगे तो टैक्स का तो आप समझिए कि 90% आदि फेल हो जाएंगे उसमें, तो टैक्स टेरर तो जग्गी जी जो बता रहे हैं हर चीज में है, टैक्स का तो कोई इलाज ही नहीं है, बढ़ता जा रहा है घट नहीं रहा। सरकार ने बात तो बड़ी बड़ी कर दी आपको ये छूट ये छूट ये, लेकिन वो क्लॉज नहीं हटाएगी, पेनल्टी का क्लॉज भी हम इसमें से हटा दे, अब आप छूट दे रहे हो तो हटा दो, नहीं तो धोखे में क्यों रख रहे हो, हम टाइम से भर देंगे, चाहे कर्जा करके लाए कहीं से टाइम से भरेंगे, पेनल्टी भी ले रहे हो, ये रेवेन्यू कमाने का तरीका है या जनता को छूट देने का तरीका है, ये मेरी समझ से बाहर है। बिल्कुल नवनीत साहब आपने जो बात कही है कि बिल्कुल सटीक बात आपने कही है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही इस ओर। मैं फिर से एक बार हमारे मेहमान टूनी जग्गी साहब आपके पास आना चाहता हूँ। जग्गी साहब ये बताए कि ईएमआई जो किस्तें जो होती है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे, क्या ट्रांसपोर्ट कारोबारी ईएमआई समय समय पे नहीं भरते हैं, क्या कहना चाहोगे? सर जी ईएमआई ट्रक वाला मालक हमेशा मेहनत करके भरता रहे, हमारे दादा परदादा पिताजी सब ने यही काम किया, हमने 20-20 ट्रक इकट्ठे लिए किस्ते भरी है, पर अब ये जो 5 साल का जो दौर अब आया है इसमें हम किस्त भर नहीं पा रहे, बच्चों की फीसें तक नहीं भर पा रहे जी, अभी किस तरीके से हम चला रहे हैं अपने आप को हमको मालूम है। आज जो 63 रुपए से डीजल सीधा जो 79 और 80 रुपए में आ गया, ये जो खर्चा है 17 रुपए का, ट्रांसपोर्ट वालों ने जान निकाल दी, ट्रांसपोर्ट वाले कहते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट हैं 9वें महीने तक जी, कोई कहता है जी मेरा तो पूरा साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आपको काम करना करो नहीं करना मत करो, मेरे को तो गाड़ी मिल रही है। उसके अलावा अभी ट्रांसपोर्टरों ने 4-5 ट्रांसपोर्टरों ने नागपुर में उन्होंने एक ऐसी स्कीम चालू कर दी, लॉकडाउन में खाली बैठे तो उन्होंने एक स्कीम चालू कर दी कि जो गाड़ी मालक भाड़ा मांगने आएगा 9,000 रुपये भाड़ा है उससे 400 रुपये पेमेंट के काट लो, लेबर के 30 रुपये टन ले लो, ये नवा फार्मूला बढ़ गया, उन्होंने आपस में स्कीम चालू कर ली, गाड़ी क्रेन से लोड हो रही 30 रुपये टन उनको दे दो, 30 टन की गाड़ी है, 30 टन की गाड़ी है 30 रुपये टन के हिसाब से 900 रुपये वो, 400 रुपये पेमेंट देने के, 200 रुपये चालान बिल्टी के, मतलब जो 100 रुपये था वो 200 हो गया है, जो पेमेंट देने के 150 कटते थे अभी वो चेक बना के 400 रुपये लेस का चेक बना रहे। यानी जग्गी साहब आपका ये कहना है कि ब्याज के ऊपर में ब्याज लिया जा रहा है, ब्याज के ऊपर ब्याज तो लगेगा ही, वो तो जो किस्त अगर नहीं भरेंगे हम वो तो लगेगा लगेगा, वो तो बैंक का काम है, फाइनेंसर का काम है, उसने ब्याज लेने का हकदार है, पर आज गवर्नमेंट ने जो हमें दिया टाइम 3 महीने जो लॉकडाउन का था उसकी किस्तें आगे बढ़ गई, उस पर ब्याज लगेगा या नहीं लगेगा ये अभी तय नहीं।
ये अभी ऐसा कोई कानून नहीं आया ना उन्होंने मांगा हमसे, अभी तक तो वो छूट है। बाकी टोल टैक्स इन्होंने खोल दिए, टोल टैक्स से इतना मतलब भारी प्रभाव पड़ रहा है गाड़ी मालक पे जी, इतना नुकसान हो रहा है काश्तकार को सब्जी लाने में इतनी तकलीफ हो रही है, इतने भाड़े, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि सब्जी खा नहीं सकता। आज 80 रुपए किलो जगह पे सब्जी है यहाँ पे नागपुर, सही बात, कोई भी सब्जी 60 रुपए 80 रुपए किलो से कम नहीं है। महंगाई बढ़ते जा रही है, लॉकडाउन तो खुल गया है तकरीबन नागपुर में, पर बीमार पेशेंट रोज बढ़ रहे, 170 130 140 पेशेंट रोज बढ़। बिल्कुल बिल्कुल सही सही फरमाया आपने नवनीत साहब। जहां टोल टैक्स के बारे में जग्गी साहब का ये कहना है, आपका क्या कहना है टोल टैक्स को लेकर, आप किस दिशा से उसको देखते हो? देखिए, टोल टैक्स के बारे में कोई पहली बार नहीं, बहुत समय से विरोध चल रहा है। एक अंदाजा लगाया गया था कि टोल टैक्स गवर्नमेंट को जितना मिलता है, उन्हें पूछा गया था भी आपको कितना मिलता है, तो उन्होंने एक रेशो दिया था, जितना उस समय में जितना रेशो दिया था उसका 3 गुना से 3 से 4 गुना गाड़ी मालिक देने को तैयार था जी, कि भाई आप वन टाइम या पार्ट में कर लीजिए इसको, हम इकट्ठा सरकार को देने को तैयार है। लेकिन ये रोड से टोल नाकों का ये जो गुंडा राज है खत्म कर दीजिए। लेकिन अब कोई भी अगर हम चीज अपनी पॉइंट रखते हैं तो लोग सामने वाला या कोई भी अधिकारी कह देगा जी पॉलिटिकली बेस्ड ये आरोप है, ये उनके पास सबसे अच्छा बहाना है मंत्रियों के पास अधिकारी पास कि ये तो राजनीति से प्रेरित आरोप है। आप सीधी हाँ सबसे अच्छा बहाना सेफ गार्ड यही होता है पॉलिटिकली। कहने का मतलब ये है कि जब हम पैसा दे रहे हैं सरकार को, हम 3 बार पैसा देते हैं कॉमर्शियल व्हीकल वाला, प्राइवेट वाला तो वन टाइम टैक्स पेड किया फारिग हो गया। बिल्कुल, सेस हम देते हैं, रोड टैक्स हम भरते हैं क्वार्टरली हाफ ईयरली या एनुअली, रजिस्ट्रेशन में हम देते हैं, टोल पे लेते हैं, एक ही चीज के लिए हमसे 3-3 बार पैसा लिया जा रहा है। अगर आज विपत्ति है तो बजाय बड़ी बड़ी बातों के किसी चीज में तो हमें रिलीफ दे, डीजल में सेस में रिलीफ दे दे, हमारे टैक्स की छूट कर दें, हमारे टोल को कम कर दें। हम ये नहीं कह रहे आप खत्म कर दीजिए, खत्म यूं नहीं कर सकते क्योंकि सरकार को इकट्ठा हम 5 गुना मिल जाए वो मंजूर नहीं है, वो यूं मंजूर नहीं है कि हर टोल कंपनी में बड़ी कंपनी में राजनीतिक संरक्षण और हिस्सा है, जो सरकार को पैसा जाएगा वो सीधा सरकार के खाते में जाएगा, 5 गुना बेशक मिलो सरकार का नुकसान हो जाए लेकिन सरकार को पैसा नहीं देना चाहिए, इसलिए कंपनियों को दो, कंपनियों में इनका अपना हिस्सा होता है। तो ये तो बड़ी बड़ी हर खेल के पीछे, छोटे खेल के पीछे बड़ा खिलाड़ी है, कोई कहीं गुंजाइश नहीं छोड़ रहा। हमारी तो ये है कि कहीं तो रिलीफ दे सरकार, और सबसे मेन बात ये है कि हम हर चीज पर डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले तो सरकार ये बताएगी इनकी मंशा क्या है, ये सिर्फ कहने के लिए है या ट्रांसपोर्ट सेक्टर को रिलीफ देना भी चाहते हैं, हमने ये मदद रिलीज कर दी, हमने ये कर दिया, लेकिन उसमें संग संग एक लाल कलम पेनल्टी के नाम की चल रही है या बिना जरूरत की चल रही है या बढ़ोतरी की चल रही है, टैक्स टोल टैक्स बढ़ा दिए, रोड टैक्स हमारा बढ़ा दिया, मोटर व्हीकल टैक्स बढ़ा दिया, उसमें पेनल्टीज लगा रहे हैं। तो ये रेवेन्यू ही कमाने का तरीका है, तो सब मुगाल फुसलाने वाली बातें हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर को कि हम आपके लिए कोई रिलीफ का काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने ये जो बात कही है कि खासतौर पर आपने बहुत अच्छी बात तो मुझे ये लगी आपने कि जो टोल टैक्स है या आरटीओ द्वारा जो गुंडाराज जो जारी है उस गुंडाराज को आप पूरी तरह से खत्म करें, यह अपील आपने की है, और एक ही चीज के 3-3 बार जो पैसे लेना पूरी तरह से गलत है, इसके बारे में आपने काफी अच्छी रोशनी डाली है। सरकार रिलीफ देना चाहती है मगर सही में क्या वे रिलीफ देना चाहती है, ये भी एक सवाल अभी भी बना हुआ है। और जहां मोटर व्हीकल की बात है तो आपने ये भी कहा कि उसका जो टैक्स है वो कम करे सरकार, मगर ऐसा होते हुए नजर नहीं आ रहा है। जग्गी साहब आपको क्या लगता है, जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि गुंडाराज खत्म करना चाहिए, क्या आपको लगता है कि सही में गुंडाराज है? गुंडाराज तो ऐसा है, हमारे माननीय नितिन गडकरी साहब जी से पर्सनल चर्चा हुई, हमने उन्हें कहा कि एक गाड़ी मध्य प्रदेश से आ रही है और आंध्रा जा रही है, वो आरटीओ बैरियल पे 125 रुपए एक बार देती है फिर उधर देती है, जब एक बार हमने पैसे दे दिए दोबारा ना लिए जाए, हमने उनसे निवेदन किया था सर एक बार तो रिलीफ दे दो उनको, एक जगह ही पैसे लगे, जो गाड़ी एमपी से आंध्रा जा रही है उसके वो पर्ची वहां दिखाएगा उसको रिलीफ मिलना चाहिए। उन्होंने हमसे कहा भी था, मैं बात कर रहा हूं करवा रहा हूं, पर ये पिछले 2.5 साल में
एक बार भी उस चीज पे कोई भी नजरअंदाज नहीं हुआ। और ये प्राइवेट कंपनियों ने कांटे लगाए हुए हैं, महाराष्ट्र में अंदर घुसने के पैसे, बाहर निकलने के पैसे, 125 रुपए एक बार गाड़ी देती, 125 एक बार, 250 रुपए एक नजायज। ये एक बहुत बड़ा रैकेट है। महाराष्ट्र में सद्भाव कंपनी ने कम से कम 16 बैरियर ऐसे बनाए हुए हैं, 16 कांटे हैं उनके, सब जगह चल रहे। अभी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री साहब जी ने 16 बैरियर तो आदेश दे दिया है, वो 2-4 दिन में चालू होने वाले हैं जी। ऐसे 6 तारीख को शायद ऑर्डर आ चुका है उनका, पर वहां उनके बैठने के लिए जुगाड़ नहीं है, बरसात पानी का टाइम है, उनके उन्होंने टेंडर निकाले हैं, वो फिर लूट खसूट गाड़ी की चलेगी। 100 करोड़ रुपए महीने का उनका टारगेट है। छत्तीसगढ़ के 16 बैरियर हम लोगों से चलान की नीतियां कर करके सिंगल है, बेल्ट है, सेकंड ड्राइवर नहीं है, फास्ट एड बॉक्स नहीं है, आपने आगे रिमोट क्यों टायर लगाया है, ऐसे मुद्दे निकाल के 100 करोड़ रुपया महीने का छत्तीसगढ़ में चलान बनने चालू हो जाएंगे। ये भी हमारे गरीब भाई लोगों से, जिस व्यक्ति की गाड़ी बिहार जा रही है, बंगाल जा रही है, उड़ीसा जा रही है, उसको पर्टिकुलर कोई 2000 का चलान, कोई 1500 का चलान, कोई 2500 का चलान, छोटी गाड़ी है उसका 1000 रुपए का चलान, ये एक नया धंधा गोरख चालू होने वाला है। ये 2-4 दिन में छत्तीसगढ़ के अंदर ये लूट खसूट चालू हो जाएगी। इसकी इसकी रोकथाम किस प्रकार से कर सकते हैं? ये तो सेंट्रल से कोई आदेश ऐसा निकले कि जब छत्तीसगढ़ में बॉर्डर हट चुके हैं, उड़ीसा में बॉर्डर हट चुके हैं, उड़ीसा में भी बॉर्डर नहीं है, छत्तीसगढ़ में बॉर्डर नहीं है, जीएसटी की वजह से ये बॉर्डर हटाए गए थे और लूट खटूस बंद हो चुकी थी। अभी वहां की सरकार, बघेल साहब जो हैं मुख्यमंत्री वहां के, उन्होंने आदेश जारी किए हैं और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने कि हमें 100 करोड़ रुपया स्वराज का नुकसान हो रहा है। भाई गाड़ी वाला कहां से तुमको 100 करोड़ रुपया देगा? हाउ इज दिस पॉसिबल? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का कहना है कि हमारा स्वराज का नुकसान हो रहा है। स्वराज मतलब हमारे बच्चों का जो है स्कूल की फीस है, वो इनको दे दी जाए, 2000 रुपए के चलान करते हैं और ये कहते हैं कि गाड़ी में जितने नट बोल्ट है उतनी कल में हमारे पास। ओके। आरटीओ जो खड़े हैं, आरटीओ के आगे जो प्यादे खड़े हैं, जिनको बोलते हैं कटर हिंदी की भाषा में, आरटीओ खुद कार के अंदर बैठा रहता है, कटर रोड पे खड़े होकर गाड़ियां रोकते हैं और 24 घंटे कार हिलती नहीं उनकी। आरटीओ घर चले जाता है, सोता रहता है, वो कटर बैठे हैं, पर्चियां काट रहे हैं, पैसे ले जा रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में अभी ऐसे विजिलेंस चालू हो जाएगी, बॉर्डर चालू हो जाएंगे, हर गाड़ी को कम से कम 4000 रुपया पर गाड़ी लगेगा महीने का अलग से। लेकिन छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है, क्या वे सरकार ध्यान नहीं दे रही है क्या? उन्होंने आदेश चालू किए, उन्होंने आदेश दिया है। आरटीओ इंस्पेक्टर जो ड्यूटी पे थे शहर के अंदर, रायपुर से, राजनांदगांव से, उनको बॉर्डरों पे ड्यूटी नियुक्त कर दी गई है, वो लोग आ चुके हैं बॉर्डरों पे। बिल्कुल बिल्कुल जग्गी साहब, जिस प्रकार से आपने ये जो बात कही है, बड़े ही बेहिचक होकर आपने बात कही है, क्योंकि आपके बातों से दर्द छलक रहा था कि किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और शासन प्रशासन या सरकार पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रही है। केंद्र सरकार ने इस ओर यदि ध्यान दिया तो हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को कुछ ना कुछ फायदा जरूर हो, मगर ये दूर दूर तक ऐसा होते हुए कतई दिखाई नहीं दे रहा है। आपने एक बात तो ये भी बताया कि नितिन गडकरी साहब को इस बारे में अवगत कराया गया, मगर परिवहन मंत्री, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब, इन्होंने भी पिछले 2.5 साल से कुछ भी काम इसके ऊपर में नहीं किया, ये भी आपने आरोप लगाया है। आखिरकार क्यों आरोप लगाया आपने? क्या सही में उन्होंने 2.5 साल से कुछ भी काम नहीं किया? गडकरी साहब नागपुर के हैं और हमें बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हम कई बार उनके पास मिले। हमने उनसे कहा कि जो मध्य प्रदेश से ओवरलोड वाहन आ रहे हैं उनको रोका जाए, अपने महाराष्ट्र के आरटीओ को अवगत कराया गया। उनकी चिट्ठियां, पत्र मेरे पास कम से कम 60 डिपार्टमेंटों को मैंने चिट्ठियां दी हुई है, नेशनल हाईवे को, आरटीओ को, मुख्यमंत्री को, विधानसभा अध्यक्ष को, कलेक्टर को, एसपी को, गडकरी साहब को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब को, नागपुर में हमारे पालक मंत्री साहब को, सबको चिट्ठियां दिए हुए कि ओवरलोड रोका जाए, किसी तरीके से हमको बचाया जाए। गाड़ी वाले ओवरलोड भरना नहीं चाहते, जबरदस्ती हमको ट्रांसपोर्टर ओवरलोड भरवा के भाड़ों का ऊपर नीचे करके
कंपटीशन करवा के हमको मरवा रहे हैं। हम तो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहते हैं कि ओवरलोड बंद किया जाए, जबकि टोल नाकों पे कांटे लगे हुए हैं, 10% के लेने को उनका अधिकार है, पर वो 10% ना लेते हुए 3% ले रहे गाड़ी से। बिल्कुल, अभी आप बताइए। बिल्कुल जग्गी साहब, मैं आपके पास आता हूँ, उससे पहले मैं नवनीत साहब आपके पास आना चाहूंगा। जी ट्यूटी साहब, आप बताइए कि जिस तरह से ये ओवरलोड को रोका जाए ये बार बार कहा जाता है, लेकिन इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है, क्या सॉल्यूशन है आपके पास? देखिए, इसमें सरकार की दोहरी नीति है जी। पहले एक नियम था कि भाई किसी भी टोल टैक्स पे आरटीओज के से अलग एनएचएआई के किसी भी टोल टैक्स से अगर ओवरलोडेड व्हीकल निकलेगा तो उसका जो वहां का टोल है, मान लीजिए 500 है, तो उसका 10 गुना आपको पेनल्टी देनी होगी। बिल्कुल, 10 गुना पेनल्टी का मतलब 5,000 रुपए। जी, जैसे जग्गी जी बता रहे हैं, एमपी से मिट्टी की गाड़ी आती है, एक मटेरियल होता है, उसको हम देसी भाषा में मिट्टी बोल देते हैं, स्पंज टाइप में, वो जो आयरन और आयरन फैक्ट्रीज में यूज होता है, वो टोटली ओवरलोड है। सरकार, बिना सरकार की सहमति के कुछ नहीं हो सकता। आपने देखा होगा, जिस दिन सरकार ने चाहा बंद, कल से बंद है बॉर्डर, तो रात को ही बॉर्डर खत्म हो गए थे। उन्होंने अगले दिन का सूरज नहीं देखा, रात को ही ताले लगा के सब अपना सामान समेट के चले गए थे। जी, ओवरलोड का 10 गुना का जब पेनल्टी है तो किस लिए? तो सरकार ने, सेंटर गवर्नमेंट ने ऐसी नोटिफिकेशन निकाली कि जी रिलीफ दिया ओवरलोडिंग करने वाले को। चोर से बोला चोरी कर लो, शाह से बोलते हैं कि पकड़ ले। सीधा गडकरी जी की कलम से ही तो हुआ ये। अच्छा, हाँ, गडकरी, भारत सरकार, मोर्थ बोलते हैं हम जिसको, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, प्लस एनएचएआई ने एक सर्कुलर निकाला जिसमें रेशो फिक्स कर दिया गया, जो ग्रॉस व्हीकल वेट है उसके 6 से 20, 5% छूट है उसमें, 6 से 20% तक अगर ओवरलोड है तो इसको इतनी पेनल्टी, लागू दर की 2 गुनी, 20 से 40 है तो 3 गुनी, 4 गुनी, इस तरह से एक स्लैब बना दिए। वो 10 गुना वाला खत्म कर दिया। बेसिकली उसमें जो 10 गुना वाला 5,000 होता था, अब उतने ही वजन को भर के आदमी को 2,500, 2,000, 3,000 रुपए देने पड़ते हैं, 2,000 रुपए करीब। जी जी, तो चोर को चोरी करने का रास्ता मिल गया। बिल्कुल, जहां उसको एक जगह पे ही 5,000 देने पड़ते थे, 3 टोल पे 15,000, वो अब 4-5,000 रुपए में आ जाता है। बिल्कुल, अब तो सरकार की ही नीति है, सड़कें तुड़वाओ, जो दिख रहा है कंपनियों में, बड़े बड़े, अब नाम नहीं लेना चाहिए, सभी हैं वो, कमल वाले हों, पंजे वाले हों, या जो भी रूलिंग पार्टी हो, शेर वाले हों, सब शामिल हैं इसमें, कोई कम नहीं है। एक भाई शेर, एक बगेरा, एक कूदनो, दूजा कूद तेरा, तो ये कहानी है। तो उसमें सब शामिल है, सबकी जानकारी में होता है। बिल्कुल, यानी चोर चोर मौसरे भाई, ऐसा आपका कहना है? हाँ, देखिए, जो जैसे जग्गी जी बता रहे थे आरटीओज के कटर होते हैं, एक ऑक्शन होती है, ऑक्शन आपने सुना को, नीलामी शब्द। जी जी जी, जग्गी जी मेरे से बहुत पुराने हैं, मेरे आदरणीय, इनको तो सारा सिस्टम पता है पहले से। ऑक्शन होती है, जब बंद कर दिए गए थे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, क्यों खोले गए? बिल्कुल, शिवराज जी ने खोल दिए, शिवराज जी की परिपाटी पे कांग्रेस आ गई, कमलनाथ जी ने भी चला दिए। बीजेपी के टाइम में किसी की कंप्लेंट करते थे थोड़ा डरता था आरटीओ, कमलनाथ जी के टाइम में तो ऑर्डर कर दिए गए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एसपीज को कि भाई सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कर दो। नागपुर के कुछ ट्रांसपोर्ट, शायद जग्गी जी को पता होगा, हो सकता है ये भी गए हो, हनुमाना रीवा बॉर्डर लगता है, रीवा मध्य प्रदेश का, और उधर मिर्जापुर यूपी का, तो वहां पे गए तो इनके ऊपर सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज हो गया विधायक पे, सिटिंग एमएलए इनके साथ गए थे उनके ऊपर। तो हालात ये, अब फिर बीजेपी आ गई, वही है, छत्तीसगढ़ हो 1500 रुपए का सरकारी चालान करते हैं खाली दिखाने का, मैकेनिकल हो या कोई भी किसी भी एक चीज, उस पे 4,000 से 4,500 रुपए महीना, मतलब सरकार को 1500 मिलेंगे, आरटीओ को 4,500 रुपए मिलेंगे। आप ये लगा लीजिए क्या लूट है। आज मैं अपनी गाड़ी को इधर से भेज देता हूँ दिल्ली से नागपुर, जी मेरे को 12 चक्का और 14 चक्का 6 से 7,000 रुपए, ये 8,000 मान लीजिए टोटल, 8,000 रुपए रिश्वत देनी है।
देनी हो चलो, नहीं दे सकते तो खड़े हो जाओ, वही बात है जितने नट हैं उतनी चालान है, किसी जो आपको पसंद है उसी उसी सेक्शन में हम चालान कर देंगे, ये हाल बिल्कुल। तो इस प्रकार की ये जो आपको जो धमकियां जो आरटीओ के जो नुमाइंदे जो अधिकारी आपको देते हैं, वो इसीलिए देते हैं कि ताकि आप डरे सहने और वो जो जो आपसे मांगते हैं वो आप उन्हें देते रहे और करप्शन और बढ़ता रहे, यही उनकी चाहत है। और इसी का वे नाजायज फायदा उठाते हुए इस प्रकार के कामकाज करते रहते हैं। मैं दोनों मेरे मेहमानों को ये बता देना चाहता हूँ कि जग्गी साहब और नवनीत साहब, हम इस कार्यक्रम के आखिरी के सेगमेंट में हैं, आपको दो दो मिनट का और समय दिया जा रहा है। 2 मिनट में यदि सरकार हो या और भी कुछ आला अधिकारी हो, अगर इन्हें कुछ कहना चाहते हो, कोई सुझाव आपके पास है तो सुझाव क्या है ये बताइए, क्योंकि प्रोग्राम के अंतिम सेगमेंट में हम लोग हैं। मैं सबसे पहले आना चाहूंगा टोनी जग्गी साहब आपके पास। जग्गी साहब, आपको 2 मिनट का समय दिया जाता है, अगर आपके पास सरकार के लिए कोई सुझाव है तो वो क्या है बताइए, आपका समय शुरू होता है। आप माननीय गडकरी साहब ने हमारी गाड़ियों का वेट बढ़ाया था, उसमें 5% हमको छूट भी मिली थी, उसका टैक्स बढ़ाया, हम टैक्स पे कर रहे हैं, वजन बढ़ा के चल रहे हैं। अब जो ओवरलोड की हमने उनसे निवेदन किया था कि ओवरलोड बंद करा दो, ये नहीं कि महाराष्ट्र स्टेट में, पूरे सेंट्रल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश आया हुआ है कि ओवरलोड बंद होना चाहिए, उसको इन्होंने एक बार अच्छी तरह मानना न करा दें, ओवरलोड पूरे हिंदुस्तान में बंद हो जाए, मेरी यही एक अंतिम इच्छा है। क्योंकि कल हम रहे या ना रहे, पर हमारे बच्चे कानून के दायरे में चले, सुप्रीम कोर्ट को मान्य करें, हर व्यक्ति आज कानून के दायरे में चलना चाहता है। ये जबरदस्ती आरटीओ की मिली भगत से, आरटीओ अपने आदमी भेड़ के ओवरलोड भरवा के गाड़ियों से पैसे वसूल कर रहे हैं लाखों रुपए। नागपुर के अंदर आज लाखों रुपए की देन चल रही है, कार्ड चल रहे हैं, फुल ओवरलोड गाड़ियां चल रही है। यहाँ पे टाटा कंपनी का जो यार्ड है, टाटा कंपनी का यार्ड जो है वो नागपुर से 12 किलोमीटर पे है, और साइडिंग नागपुर शहर के अंदर से भरे हुए 55-55 टन 60-60 टन ट्रेलर भर के सिटी के अंदर से जाते हैं, और उनको नागपुर के जो डीसीपी हैं, पुलिस पुलिस से जो डीसीपी हैं, उन्होंने परमिशन दिए हुए कि ओवरलोड भी लेके जाएं और पूरा फुल दिन लेके जाएं, उसके लिए कोई नो एंट्री नहीं, और आपका छोटा भी ट्रक है उसके लिए नो एंट्री है। 100-100 टन लेके ट्रेलर जा रहे हैं, उनके लिए कोई नो एंट्री नहीं कुछ। तो मेरी यही इच्छा है आप लोगों से कि ये आवाज कहां तक पहुंचाई जाए, अगर हमें कहीं बुलाया जाए उस मीटिंग में हम आने को भी तैयार हैं, दिल्ली भी, हमारे साथ में और भी 2-4 पदाधिकारी हैं, जरूर पहुंचेंगे, आप जब हमें आदेश करें। मैं भोपाल गया था, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से भी मिला, उनके बंगले पे गए, वो कहते जी हो रहा है कुछ नहीं हुआ, इतनी भ्रष्ट मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में इतना भ्रष्ट चल रहा है पूछूंगा, क्योंकि जिनकी माइंस है वो खुद ही मंत्रालय में है, खुद ही मिनिस्टर है, खुद ही एमएलए है। बिल्कुल, टोनी जग्गी साहब ने बहुत ही बेहतरीन सी बात बताई है, मैं उनके बातों का विश्लेषण जरूर करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं हमारे दूसरे मेहमान नवनीत टेवटिया साहब, मैं आपके पास भी आना चाहूंगा। नवनीत साहब जो कि हरियाणा से है, नवनीत साहब क्या कहना चाहोगे, आपको भी 2 मिनट का समय दिया जा रहा है, अगर सरकार के लिए कोई यदि सुझाव है तो आपके सुझाव क्या है, आपका समय शुरू होता है अब। सुझाव आज से नहीं, बहुत समय से करे जा रहे हैं, लेकिन एक कहावत है भी, जिसको जो बतावे पहले खुद करके दिखावे, जो हमें सिखाना चाह रहे हैं वो अपने वहां से अमल करें, अपने घर का सुधार करें। ये जो छूट दी है, नाजायज सड़कों को तोड़वाया जा रहा है, फिर बनाना फिर तोड़वाना, टेंडर स्टोलिंग, ये सब एक नेक्सस है, एक सर्कल है, वो एक ही चीज की धुरी है, घूम के वहीं आ जाता है। ओवरलोड करवाओ, छूट दो, उधर से रेवेन्यू कमाओ, इधर से सड़कें तोड़वाओ, फिर अपनी चहेती कंपनीज को टेंडर दो, फिर उस पर टोलिंग करो। तो ये आरटीओज का है, आरटीओ का तो एक ऑक्शन वाला सिस्टम है, आप लगा लीजिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सबका खुला है, यूपी में अभी डरने लगे, आरटीओ ऐसी लूट खसोट नहीं है, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सुन रहे हैं, बताया भी है, वो लेटर मैंने पढ़ा, शुरू हो रहा है जी। और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में तो क्लियर बोलते हैं, भाई हम 1 महीने के लिए आए हैं, इतना पैसा दे के आए हैं, आप हमें दीजिए। जब सीएम सिटी में ये हाल है,
अब जग्गी जी बता रहे हैं कि अंदरूनी इंटर डिस्ट्रिक्ट भी ऐसी ओवरलोडिंग चलने लगी है, आप वर्धा चले जाइए लॉयड स्टील में, उत्तम गलवा में, उनके स्टॉक रजिस्टर, उनका जो एंट्री रजिस्टर चेक कीजिए, ओवरलोड का है। बिना सरकार की सहमति के नहीं चल सकता, बिना एनएचएआई और सरकार मिलके चलवा रहे हैं, मिलके सपोर्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट का हो या इनडायरेक्ट का हो, ये तो सब कहने की बात है। आरटीओ की क्या बिसात सरकार अगर मना कर दे, मेरे को तो नहीं लगता कि ऊपर से अगर सख्ती से मना, नीचे किसी की हिम्मत हो कर दे, ये सब कहने की बातें हैं, सब शामिल हैं। चेहरे बदल गए, लूट के मुखौटे बदल गए, लेकिन लूट के तरीके नहीं बदले, डिजिटल बेशक हो गए लूट के तरीके लेकिन बदले नहीं है, लूट जारी है। और मुझे नहीं लगता कि जिसके मुंह खून लग जाए वो आदमखोर बन जाए, वो इतनी सहज घास खाने लगेगा या मान जाएगा, कोई हो चाहे। बिल्कुल, जिस अंदाज में आपने ये जो बात कही है, यकीनन पूरे सरकार के जो मंत्री है इस और गौर जरूर फरमाएंगे, और जो आपने बात की है बहुत सटीक है। मैं मेरे दोनों मेहमानों का जिस प्रकार से उन्हें 2 मिनट का समय सुझाव के लिए दिया था, दोनों ने बड़ी मजबूती के साथ में जो बात रखी है उसके लिए तो मैं उन्हें पहले सलाम करता हूं, और मैं उनके बातों का विश्लेषण यही करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारे टोनी जग्गी साहब ने ये कहा है कि ओवरलोड पहले बंद करना चाहिए, क्योंकि और वो भी पूरे सेंट्रल में बंद होना चाहिए, ये इन्होंने काफी अच्छी मांग की है, और कानून के दायरे में सब ने चलना चाहिए। यदि कानून के दायरे में अगर हम नहीं चलते हैं तो करप्शन को और भी बढ़ावा मिल सकता है, हम हो ना हो आने वाले हमारी जो पीढ़ी है उन लोगों के लिए कानून के बारे में एक सम्मान हो, काफी अच्छी बात टोनी जग्गी साहब आपने कही है। और आपने ये भी कहा है कि आरटीओ की मिली भगत से ही ओवरलोड किया जा रहा है, अब तक के लोगों में यह लगता था कि ओवरलोड कोई और कर रहा है और बिला वजह आरटीओ को फंसाया जा रहा है, मगर असलियत यह है कि आरटीओ की ही मिली भगत से ओवरलोड किया जा रहा है। और आपने एक बात ये भी कहा है टोनी जग्गी साहब कि जब कभी भी कहीं भी मीटिंग होगी तो हमें जरूर उसमें बुलाया जाए, हम अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली यू विल प्रूव योर एबिलिटी, ऐसा भी आपने कहा है। तो वही हमारे दूसरे मेहमान नवनीत साहब ने भी बहुत अच्छी बात की है कि सरकार हर बात पे करना कुछ चाहती है, होता कुछ और है, लेकिन सही मायने में वे अमल नहीं कर पा रही है। इसलिए सरकार अमल करे, सड़कों को तुड़वाना बंद करे, क्योंकि सड़क तुड़वाना उसे फिर बनवाना और फिर टेंडर निकालना, ये जो कामकाज, ये जो प्रक्रिया, ये जो साइकिलिंग जो चल रही है वो ही कहीं ना कहीं करप्शन को बढ़ावा देती हुई नजर आ रही है। आरटीओ का एक बारे में आपने ये काफी अच्छी बात की कि आरटीओ का ये धंधा बन चुका है कि ऑक्शन करे, फिर से ऑक्शन के जरिए पैसा कमाया जाए, बिना सरकार के मदद से ये काम नहीं हो सकता, ऐसा खुला आरोप आपने लगाया है, क्योंकि कोई भी प्रशासन हो ये सरकार के आदेश के ऊपर में ही चलता है, सरकार ने जरूर कुछ कहा है तभी प्रशासन उनका उनको फॉलो कर रहा है, अदरवाइज कोई भी अपने मन से कामकाज नहीं कर सकता। सरकार इसके लिए पूरी तरह से छत्र छाया उनके लिए बनी हुई है जिसके चलते प्रशासन ये काम कर रही है। इस प्रकार का नवनीत साहब आपने काफी अच्छा सुझाव दिया है, और आपने ये भी कहा है कि मुखवटे बदले, मुखवटा मुखवटे तो बदले हैं मगर लूट और अभी भी जारी है, इसकी भी रोकथाम होना चाहिए, ये भी काफी अच्छी बात सुझाव सुझाव के इस समय में आपने उनको दिया है। आप दोनों के सुझाव बहुत बहुत बढ़िया है, अगर आपके सुझाव पे यकीनन सरकार अमल कर ले तो जिस प्रकार से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो कोलैप्स हो रही है वो कतई नहीं होगी, उसका जीवन संवर्धन होगा, और ये जो इंडस्ट्री है सुजलाम सुफलाम कहलाएगी, जिस प्रकार से भारत को सुजलाम सुफलाम देश कहते हैं उसी प्रकार से इस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को भी सुजलाम सुफलाम कह सकते हैं, बशर्ते सरकार की यह मानसिकता होना चाहिए, सरकार ने अमल करना चाहिए, और हमारे ट्रक भाइयों का, हमारे ट्रक ड्राइवरों का, हमारे ट्रक मालिकों का, या ये कहे कि भारतवर्ष के ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का सम्मान करना चाहिए और उन्हें पूरी तरह से बूस्ट देना चाहिए।
जब तक ये नहीं होगा यकीनन भारत देश भी पूरी तरह से बलवान नहीं होगा। लाख भारत देश कहे कि हम महासत्ता बनने जा रहे मगर नहीं बन पाएगा, क्योंकि यदि हमें मजबूत होना है तो हमारे अंदर भी मजबूत होना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे लॉजिस्टिक इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को मजबूत करना होगा, तभी भारत देश का कामकाज हर क्षेत्र में मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा, जिससे देश महासत्ता बन सकता है। वरना ढाक के 3-5 जैसे सरकार का कामकाज जो जारी है, वो सरकार ने अपने कामों में बदल करना चाहिए और हमारे देश के इन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की रक्षा करना चाहिए। यही कहते हुए आज का यह कार्यक्रम यही संपन्न हुआ, ऐसा मैं घोषित करता हूँ। और फिर से एक बार मेरे दोनों मेहमान नवनीत सिंह साहब टेटिया और टोनी जग्गी साहब, जो समय में समय निकाल के आज के इस कार्यक्रम में जिन्होंने शिरकत की, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। फिर मिलेंगे कि दर्शकों, फिर मिलेंगे किसी नए विषय को लेकर, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को लेकर और नए नए मेहमानों के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का आखिरकार कब होगा भला में। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।